नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा पे। हम लोग आज ज्योग्राफी का पार्ट 8 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसे दक्षिण पठार भी बोला जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसे बोलते हैं। ये जो पठार है, यह अकेला पठार नहीं है, यह बहुत सारे छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है यह पठार। यह पठार जो है प्राचीन काल का प्राचीन प्राचीन गोंडवाना गोंडवाना भूमि का भाग है। गोंडवाना भूमि का भाग है जो आर्कियन काल के चट्टानों से बना है, जो आर्कियन काल के चट्टानों से बना है। ठीक है, बना है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार की आकृति है। इसके आकृति की अगर हम बात करें तो त्रिभुजाकार की आकृति है। त्रिभुजाकार की इसकी आकृति है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो सबसे बड़ा भौतिक है। सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। सबसे बड़ा भौतिक विभाजन ये है। अगर अब हम इसके बात करते हैं, इसके ऊंचाई की बात कर लेते हैं, ये कितना ऊंचा है। इसके ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है 500 से लेकर 700 मीटर तक ये ऊंचा है। इसके ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 500 से लेकर 700 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा है। अब बात कर लेते हैं इसके विस्तार के बारे में, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर इसके विस्तार के बारे में अगर हम बात करें, विस्तार के बारे में अगर हम इसके बात करें तो हम देखेंगे कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला हुआ है। अगर हम उत्तर दिशा की बात कर लें, ये इसे हम दक्षिण दिशा ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा पूर्व है और यहाँ पे हमारा पश्चिम है। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में अरावली पर्वतमाला जो है वहाँ से फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला फैला हुआ है। उसके बाद हमारा ये कैमूर में भी फैला हुआ है, राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलांग की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से लेकर ये फैला हुआ है दक्षिण के कन्याकुमारी तक। दक्षिण के कन्याकुमारी तक ये प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। वहीं पश्चिम की बात कर ले तो पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक ये फैला हुआ है। पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक ये फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वी घाट तक ये फैला हुआ है। आइए इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार मैप में समझते हैं। तो इसका जो मैप है, इस मैप में हम लोग देखेंगे कि विंध्या पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, सतपुरा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, महादेव पर्वत श्रेणी कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैप में समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, मैप में चीज़ों को समझते हैं। ये जो मैप है, ये भारत का मैप, हमने मैप में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ नॉलेज को एलाब्रेट करेंगे ताकि हमें पहाड़ जो है वो कुछ समझ में आए। और मैप एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं, इसीलिए मैप की प्रधानता होनी चाहिए। और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो मैप है उस मैप के थ्रू हमें समझना है। ठीक है, थोड़ी ही देर में हम लोग मैप को बना लेंगे। उतने अच्छे से बन नहीं पाया है, लेकिन अब हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसी को कंसिडर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसी को कंसिडर हम लोग कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसे हम लोग ठीक है, तो ये जो जहां पे मुझे एक्चुअली में जो मुझे पार्ट समझाना है वो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, थोड़ा अच्छे से मैं इसे डिजाइन करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो अगर हम हिस्सा देखें यहाँ पे, ये वाला हिस्सा अगर हम देख लें, ये वाला, ये राजस्थान का भाग अगर हम देखें, ये राजस्थान का भाग अगर हम देख लें, ये राजस्थान का भाग है। तो ये जो राजस्थान का भाग है, ये वाला, ये हमारा राजस्थान का भाग है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से होते हुए राजस्थान से लेकर और दिल्ली तक जाती है, दिल्ली तक है, ये फैली हुई है, दिल्ली तक फैली हुई है। तो ये अरावली पर्वतमाला है। ये कौन सी पर्वतमाला है, इसे हम अरावली पर्वतमाला बोलेंगे, अरावली, अरावली पर्वतमाला बोलेंगे। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो है, ये हमारा विंध्या पर्वत श्रेणी है, ये हमारा सतलज पर्वत श्रेणी है। आप इसे देख सकते हैं, मैंने मैप में समझाने की कोशिश किया है, ये हमारा सतलज है, ये हमारा विंध्या पर्वत श्रेणी है, ये हमारा सतपुड़ा है, सॉरी सतपुड़ा है ये, और यहीं पे हमारी महादेव की पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं। मैंने बताया था कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार की आकृति में है। तो आप देखिए, ये जो हिस्सा है, ये वाला, यही त्रिभुजाकार की आकृति है, ये इस तरह से कुछ फैला हुआ है, ये जो है कुछ इस तरह से हमारा ये जो है फैला हुआ है, ये प्रायद्वीपीय पठार कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार कुछ इस तरह से फैला हुआ है। अब इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे और आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। और इसके नीचे अगर हम लोग थोड़ा सा और आएंगे तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी इलायची की पहाड़ियाँ हैं, इलायची, इलायची, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, जिसे कार्डमम हिल्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, नीलगिरी की बात करें यहाँ पे, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं, पश्चिमी घाट, ये वाला जो हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, ये वाला पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी घाट वाला हिस्सा है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो ये आप एरो दे के लिख सकते हैं, पश्चिमी घाट वाला हिस्सा, और इसे आप पूर्वी घाट बोल सकते हैं, पूर्वी घाट वाला ये हिस्सा है। ठीक है, तो इन दो पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो मिलाने का काम कर रही हैं, आप देखिए यहाँ पे, ये जो मिलाने का काम हो रहा है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर रही हैं यहाँ पे, ये जो मिला, इन दोनों को जो मिलाने का काम करती है, क्योंकि यहाँ तक जो तो प्रायद्वीपीय पठार है, तो यहाँ से जो मिलता है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही इन्हें मिलाने का काम करती हैं। ठीक है, और एक चीज इसमें क्या है कि दक्षिण, दक्षिण की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी, तो दक्षिण की जो सर्वोच्च चोटी है वो अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, उसका नाम है अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी, अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी नाम है इसका, अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, तो दक्षिण की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण की सर्वोच्च चोटी जो है अन्नामुड़ी है, अन्नाईमुड़ी है, और ये जो अन्नाईमुड़ी है
ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, इसकी इसकी चोटी है। इसे ध्यान से समझिएगा, ये अन्नामुड़ी जो है सर्वोच्च चोटी है किसकी, दक्षिण साइड की, दक्षिण भारत की है। लेकिन ये चोटी किसकी है, ये चोटी है अन्नामलाई पहाड़िया की। अगर नीलगिरी पहाड़िया की बात करें तो इसकी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है दोदा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, वही अगर हम अरावली पर्वतमाला की बात करें, यह हमारा अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो ये आप एक मैप के थ्रू बढ़िया से याद रख सकते हैं, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा सकते हैं, और इसे आप भूलेंगे नहीं। अगर आप मैप से पढ़ते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि मैप से पढ़िए, 2-3 बार मैप को बनाइए। हालांकि मैं भी मैप यहाँ पे अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। अब देख लीजिए, एक चीज़ और है यहाँ पे, क्या कि ये जो विंध्या पर्वत श्रेणी से 3 नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, और एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा, और एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। ये तीनों नदी, विंध्या से 3 नदी निकलती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विंध्या से 3 नदी निकलती है, विंध्या पर्वत श्रेणी से 3 नदी निकलती है। ठीक है, 3 नदी निकलती है, कौन कौन सी है, तो वो है चंबल है, बेतवा है और सोन नदी है। ये तीनों नदी निकलती है, और ये तीनों नदी जाकर गंगा में मिल जाती हैं, और ये तीनों जो नदी है, ये उत्तर मैदान के लिए, ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र के लिए काफ़ी सहायक होती है। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे, तो इसके लिए काफ़ी सहायक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ फिर से हम लोग एक चीज़ और आ जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि विंध्या और सतपुरा, ये जो दो पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के बीच से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी, और सतपुरा महादेव के बीच से एक नदी निकलती है, इसके भी बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापती नदी। आप इसे देख सकते हैं, ये जो विंध्या पर्वत श्रेणी है और सतपुरा पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के बीच से एक नदी निकलती है जो कि नर्मदा नदी कहलाती है, और सतपुरा और महादेव पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जो तापती नदी कहलाती है। ये दोनों नदियाँ, नर्मदा और तापती नदी, ये दोनों खंबात की खाड़ी होते हुए, ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ से होते हुए अरब सागर में अपने पानी को गिराती है। ये अरब सागर है ये पूरा, तो यहाँ पे पानी को गिराती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मैप में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हॉचपॉच हो गया है, लेकिन आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब एक बार हम लोग ये चीज़ लिख लेते हैं कि कौन कौन सी जो पहाड़ियाँ मैंने बताई हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक में, उस पहाड़ियाँ को हम लोग सीरियल वाइज में लिख लेते हैं। उन सभी पहाड़ियों को हम लोग एक सीरियल वाइज में लिख लेते हैं। तो अरावली पर्वतमाला हम लोगों ने देखी थी, अरावली पर्वत श्रेणी में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये राजस्थान होते हुए जाती है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है, वो है गुरु शिखर। मैंने पहले ही बता दिया है गुरु शिखर है, इसे मैंने अरावली पर्वत श्रेणी को मैंने मैप में भी दिखाया है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। वहीं पे अगर हम बात करें विंध्या पर्वत श्रेणी की
विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इन दोनों के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी और महादेव पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापती नदी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट दक्षिण की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो वो है अन्नाई मुड़ी, है, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं अन्नाई मुड़ी, दक्षिण की सर्वोच्च चोटी जो है अन्नाई मुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने का काम करती हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि विंध्या पर्वत श्रेणी, ये जो पर्वत श्रेणी है, विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये दोनों जो है, ये पर्वत श्रेणी और ये पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में बांटने का काम करती हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती हैं। कौन? तो ये विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये दोनों जो पर्वत श्रेणी हैं वो भारत को दो भागों में बांटती हैं, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड की अगर हम बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की अगर हम बात करें, तो इनके क्षेत्र में मैकाल की पहाड़ियाँ आती हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र में मैकाल की पहाड़ियाँ आती हैं, मैकाल की पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, मैकाल की पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, जो खनिज संसाधनों से भरपूर है, ठीक है, भरपूर है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलती हैं, और मैंने बताया है कि इसकी जो आकृति थी, ये जो आकृति थी ये हमने देखा था, वो कुछ इस तरह से त्रिभुजाकार की आकृति हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और ये इस साइड में जो था पश्चिमी घाट था, और ये पूर्वी घाट है, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट है। अब आइए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले जो पठार हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पठार हैं, मैंने पहले ही बताया था कि ये अकेला पठार नहीं है, बहुत सारे पठार हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं अभी कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, अंतर्गत जो है आने वाले पठार, कौन कौन से हैं, आने वाले पठार कौन कौन से हैं। तो पहला जो पठार है वो है मालवा का पठार, मालवा का पठार है। दूसरा जो पठार अगर हम लोग बात करें तो एक बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें तो एक छोटा नागपुर का पठार, जिसके बारे में अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। चौथे में अगर हम बात करें तो हमारे पास दंडकारण्य पठार है, दंडकारण्य पठार है, और एक जो है मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार
पठार है। ये जो मेघालय का पठार है इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण ये शिलोंग का पठार के नाम से जाना जाता है, ये शिलोंग के पहाड़ पठार के नाम से जाना जाता है। शिलोंग, शिलोंग के पठार के नाम से, शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। और इसके दक्षिण में जो है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ इसके दक्षिण में है, ठीक है। और एक जो ये तो हमने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले पठार देख रहे हैं, और एक जो महत्वपूर्ण पठार है, जो छठा नंबर का पठार है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है जिसे हम लोग बोलते हैं दक्कन का पठार। छठा नाम का जो छठा है वो है हमारा दक्कन, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इसे तीन भागों में बांटा गया है, इसे तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये तीन भागों में जो बांटा गया है वो है दक्कन लावा पठार। पहला जो है वो है दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार है, ठीक है। ये जो है लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित पठार है, यहाँ काली कपासी मिट्टी पाई जाती है, लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित पठार है, यहाँ काली कपासी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। दूसरा जो है वो है तेलंगाना का पठार है, दूसरा जो है तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का पठार है, दूसरा तेलंगाना का पठार है। ये तेलंगाना के अंदरूनी भाग में है, अंदरूनी भाग में स्थित है, अंदरूनी भाग में स्थित है। गोदावरी नदी इसे दो भागों में बांटती है, गोदावरी नदी इसे दो भागों में बांटती है। और तीसरा जो पठार है वो है मैसूर का पठार, तीसरा जो पठार है उसे हम मैसूर का पठार बोलते हैं, तीसरा हमारा जो है मैसूर का पठार है। और लौह अयस्क घनी है, लौह अयस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और यह जो है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसका हिस्सा है, और बाबा बुदन यह और यह बाबा बुदन पहाड़ियाँ ये बाबा बुदन पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रायद्वीपीय पठार में जो छोटे छोटे पठार हैं वो सभी से मिलकर बना है। तो आज का हमारा जो क्लास है वो यहीं तक रहेगा, ठीक है। आगे के क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके तीन पार्ट को पढ़ लिया है। पहला पार्ट जो था हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पार्ट था उत्तर का मैदानी क्षेत्र, और जो तीसरा पार्ट है वो है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार हम लोग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं, ज्योग्राफी के कंपटीशन लेवल के क्लास हैं, ये BPSC बिहार SI और जितने भी कंपिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में GK पूछे जाते हैं, GK GS पूछे जाते हैं, वो आपका यहीं से पूछा जाता है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
वीडियोस में और आने वाले वीडियोस में करेंगे, वो इन सभी से ही पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।